अपनी जिद्दोजहद के जरिए सुपर पावर ताकत को उल्टे पाव भागने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन जब वो यहाँ से चले गए तो उनके कुछ चमचे उनकी चेलागिरी करने वाले आज हमारे मुल्क में बाकी रह गए। दोस्तों आज जिनको आरएसएस और बीजेपी के नाम से हम जानते हैं, ये वही आज हमारे मुल्क को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा डॉक्टर साहब के कानून को उनके दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि आज CAA NRC NPR लाकर मुसलमानों को डराने की कोशिश धमकाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ये नहीं मालूम कि हम डरने वाली कौम में से नहीं है। मैं उनसे साफ तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, अरे जुल्म के आगे सर अपना झुका सकते नहीं। हम उस कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं, हम उस कौम से ताल्लुक, जब मुकाबला हक का आया तो हमने 313 होकर 1000 पर हम गालिब आ गए हैं। मैं साफ तौर पर हुकूमत हिंद से यह कहना चाह रहा हूँ कि अपने इस नाटक को बंद करिए। मुल्क का बच्चा बच्चा जान चुका है कि आज हमारी हुकूमत हिंद ये दस्तूर की धज्जियां उड़ाने वाली हुकूमत है, मुल्क के नाम पर एक धब्बा है। आज हमने जिस मुल्क को सींच कर दुनिया में से सोने की चुड़िया से मारूफ किया था, लेकिन 7 साल में इन लोगों ने आज हमारे मुल्क को सारी दुनिया के अंदर एक इस्मत रेजी, बेहयाई, बदकिरदारी में आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आ चुका है। इसलिए हम तमाम भाइयों को चाहिए, अपने साथ हिंदू भाइयों को ले, दलित भाइयों को ले, सिख ईसाई भाइयों को लेकर मुल्क की बका के लिए आगे बढ़े, मुल्क के लिए जिद्दोजहद करें। अगर इसी तरह खामोश रहेंगे तो याद रखो आने वाले नस्ल हमें कोसेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें रोड़ों पर निकलना होगा, अपने एहतजाज को और बुलंद करना होगा। हम अपने जमहूरियत के लिए अपनी जान को गवा दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला एक और मौका आया है अल्लाह की तरफ से, हमारे लिए एक इल्जाम एग्जाम है कि इसमें देखते हैं कि कौन कामयाब होता है, मुल्क की मोहब्बत किसके दिल में ज्यादा होती है। इसीलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि आप अपने मुल्क से वफादारी का सबूत देते हुए रोड़ों पर निकलिए, सड़कों पर निकलिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए आगे बढ़िए। बस यही कहना चाहूंगा, तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत की मदद आती है जब कोशिश इंसान होती है। वाखिरु दावाना।